आज के क्लास में हम लोग इमल्शंस के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इमल्शंस होता क्या है। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक है इमल्शन। इमल्शन को अगर डिफाइन किया जाए, हम लोग अभी में कोलाइडल सोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इमल्शन होता क्या है? ऐसा कोई भी कोलाइडल सोल जिसमें डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही अगर लिक्विड है, आपस में इमिसिबल, आपस में न मिलने वाले, अगर दोनों ही लिक्विड हैं, तब आप कहिएगा ऐसा सोल आपका क्या बना? तो ये इमल्शन बना है। अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं द कोलाइडल सोल्स इन विच डिस्पर्ज फेज एज वेल एज डिस्पर्सन मीडियम आर बोथ लिक्विड्स। आर कोल्ड इमल्शंस। हम लोग जनरल टर्म पे याद रखेंगे। देखिए, हमें सिलेबस में केवल इमल्शन पढ़ना है। ऐसे हम लोग को पता है कि हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे, तब में हमने पढ़ा था कि जेल भी होता है। ये अपने सिलेबस पे है नहीं। अगर जेल होता तो आपको पता है जेल में सॉलिड मेरा डिस्पर्सन मीडियम होता है और लिक्विड मेरा डिस्पर्ज फेज होता है। इसी बेसिस पे सभी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इमल्शन क्या है? इमल्शन ऐसा कोई कोलाइडल सोल है जिसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही अगर लिक्विड होंगे, तो फिर कहिएगा कि ये आपका क्या बन गया? इमल्शन बन गया। एग्जाम्पल्स पे आने से पहले, इसके दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्शन आर, फर्स्ट है वाटर इन ऑयल, या चलिए पहले ऑयल इन वाटर ही लिखते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, जिसे हम लोग ओडब्ल्यू टाइप भी कह सकते हैं। जैसा लिखा जा रहा है ऑयल इन वाटर, आप ऑयल को वाटर में मिला रहे हैं। और अगर ऑयल को वाटर में मिला रहे हैं तो इसी से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वाटर मेरा मीडियम है और ऑयल मेरा डिस्पर्ज फेज है। फिर से दोहरा रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है ऑयल इन वाटर का मतलब क्या होगा? ऑयल इन वाटर का मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी अधिक है, वाटर में हम लोग ऑयल को लाकर मिला रहे हैं, यानी वाटर मीडियम है जबकि ऑयल मेरे लिए डिस्पर्ज फेज का काम करेगा। तो आप डिफाइन कर सकते हैं ऑयल इन वाटर टाइप में क्या होता है। ऑयल इन वाटर टाइप में होता है कि डिस्पर्ज फेज आपका ऑयल होगा, जबकि डिस्पर्सन मीडियम जो होगा ये आपका वाटर होगा। इसी बात पे डिफाइन करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्स, या फिर इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन, डिस्पर्ज फेज या ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्ज फेज वाइल वाटर एक्ट्स एज आपका क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। और एक चीज क्लियर रहिएगा, जैसा पहले से आप जानते हैं कोलाइडल सोल जो भी बन रहा है, इमल्शन बने जेल बने, ये तो हेट्रोजीनियसली मिक्स होना है, यानी कि ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिसिबल है नहीं, जिससे कि कोलाइडल सोल बनेगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल पे हम लोग लिख सकते हैं मिल्क वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम कौन सा? मिल्क तो आप भी जानते हैं। वैनिशिंग क्रीम आप फुटबॉल अगर आप देखते हैं तो देखिएगा, फुटबॉल मैच में रेफरी के पास जो स्प्रे रहता है वही वैनिशिंग स्प्रे रहता है। इसका खासियत होता है कि ये कुछ देर के बाद अपने आप क्या हो जाएगा? वैनिश, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसे वैनिशिंग क्रीम कहा जाता है। तो सेकंड टाइप इसी बेसिस पे आप बता सकते हैं। सेकंड है वाटर इन ऑयल या डब्ल्यूओ टाइप। एकदम आप वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं ये है क्या, इसमें होगा आप भी साथ में बताएं। वाटर इन ऑयल टाइप में होता है कि मेरा डिस्पर्ज फेज जो है वो वाटर है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम जो है वो मेरा क्या है? ऑयल है। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्पर्ज फेजेज वाटर व्हाइल द डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि ऑयल की क्वांटिटी अधिक है जबकि वाटर की क्वांटिटी कम है। इसके एग्जाम्पल पे जैसे कोल्ड क्रीम जो ठंडे के दिनों में लगाते हैं, कोड लीवर ऑयल मछली का तेल,
कोड लिवर ऑयल मेडिसिन में यूज होता है, इसके कैप्सूल वगैरह आते हैं। कोल्ड क्रीम, आपको भी पता है ठंडे के दिनों में मौसम काफी सूखा हो जाता है जिससे गाल वगैरह फटते हैं, तो इसके लिए इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए जिससे कि वो स्किन को स्मूथ रखे। तो कोल्ड क्रीम हो गया, कोल्ड लिवर ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल हैं वाटर इन ऑयल के। अब यहाँ से हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे कि इमल्सन बनाया कैसे जा सकता है, जबकि आप तो जानते हैं, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि ऑयल और वाटर तो आपस में मिक्स होता नहीं है, तो फिर कैसे करके मिल्क स्टेबल है या कोल्ड क्रीम या वेनिसिंग क्रीम कैसे स्टेबल रहता है। तो आइए अभी में हम लोग समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इमल्सन, इमल्सन को आप बना कैसे सकते हैं, और फिर उसका रिवर्स प्रोसेस भी डिमल्सिफिकेशन के बारे में। अभी में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, जिस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। अब आप कह सकते हैं कि इमल्सिफिकेशन होता क्या है, या फिर इमल्सिफिकेशन बताया कैसे जाए, इमल्सन बनाया कैसे जाता है। डिफाइन करने में एकदम सिंपल टर्म है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। टर्म तो डिफाइन हो गया। अब प्रश्न ये है कि ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, तो फिर इन्हें मिलाया कैसे जा सकता है। चलिए एक स्थिति हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं हमने वाटर ले रखा है, ऑयल ले रखा है, और दोनों को विग्रेसली मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं काफी तेजी से मिला रहे हैं। आपको ही पता है ये मिलेगा क्या, आप कुछ देर तक अगर दिख भी गया ये मिल रहा है, फिर से अगर स्थिर छोड़ देंगे तो दोनों सेपरेट लेयर हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा। इसको मिलाने के लिए क्या किया जाए, इसको मिलाने के लिए एक थर्ड सब्सटेंस जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑयल वाटर के अलावा एक तीसरा सब्सटेंस इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाया जाता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ वाटर की क्वांटिटी अधिक है, ऑयल की क्वांटिटी कम है, इमल्सिफाइंग एजेंट काम करेगा कि ऑयल के चारों ओर एक कोट बना देगा, और जब ये इसके चारों ओर कोटिंग कर देगा तो अब ये जिसका जो कोट है वो वाटर के साथ में आपका बॉन्डेड हो जाएगा, जिसके कारण ऑयल एंड वाटर आर मिसिबल, जिसके कारण आपका क्या है, दोनों घुल जाएंगे। अब घुलेंगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या क्या आता है, इमल्सिफाइंग में एजेंट में आता है सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये तो आप घर पे भी करके चेक कर सकते हैं। आप ऑयल लें, वाटर लें, और उसमें जरा सा सोप डालें और इन दोनों को मिक्स करें, देखिए तीनों को, सोप भी है, तीनों को अगर मिक्स करें तो आपको दिखेगा कि अब ये जाकर घुल जा रहा है। तो ये आपका क्या है, थर्ड सब्सटेंस इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है। जैसे मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, ऑयल या घी जिसे कहते हैं, और वाटर जनरली मिल्क में जो है, इन दोनों को बॉन्डिंग के काम कौन आता है, वहां पे उसका प्रोटीन एल्बुमिन काम आता है। तो ये हो गया इमल्सिफिकेशन कैसे करके आप बना रहे हैं। अब अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना है या अलग करना है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिमल्सिफिकेशन। डी लग गया मतलब उसको रिवर्स प्रोसेस। व्हाट इज डिमल्सिफिकेशन, डिमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग या डिसोसिएटिंग या डिकम्पोजिंग एन इमल्सन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स। अगर कोई इमल्सन को ब्रेक करके डिकम्पोजिशन ऑफ एन इमल्सन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स जिससे ये बना था, इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इमल्सन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। यानी जो इमल्सन बना हुआ है इसे फिर से अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को कहिएगा कि ये आपका क्या कहलाता है, ये डिमल्सिफिकेशन कहलाता है। डिमल्सिफिकेशन अचीव कैसे किया जा सकता है, डिमल्सिफिकेशन हीट करके कर सकते हैं, आप फ्रीज करके कर सकते हैं, मेनली एक टर्म जरूर याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का भी इसमें रोल है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप दिमाग में हमेशा रखें, अगर कभी प्रॉब्लम आ गया कि मिल्क से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है, तो मिल्क से क्रीम को हम लोग हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं। चाहे आप रेगुलर मेथड आप जानते हैं जो पुराने समय से आ रहा है, मथा जाता है, और या फिर आप क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से आप अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से मिल्क से आप क्या किया जा सकता है, मिल्क से बटर को सेपरेट किया जाता है।
तो हमने पढ़ा इमल्सिफिकेशन डिमल्सिफिकेशन, और थोड़ा सा जानने के लिए जरूर से आप जाने रहे हैं कि हम लोग पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सा ऑयल इन वाटर टाइप आपका इमल्सन है या ऑयल इन वाटर, यानी कि टेस्ट फॉर इमल्सन आप टेस्ट कैसे करेंगे अगर आपको कोई सैंपल दिया हुआ है कि ये ओ डब्ल्यू टाइप है या डब्ल्यू ओ टाइप है। टॉपिक है टेस्ट फॉर इमल्सन, आप कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा टाइप है इमल्सन। मेनली दो टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक है डाइल्यूशन टेस्ट और एक कहलाता है आपका डाई टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट और डाई टेस्ट से कैसे आप पता करेंगे कि कौन से टाइप का इमल्सन है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें कोई इमल्सन दिया हुआ है और मैं बिहेवियर बता रहा हूँ कि कौन कैसे बिहेव करेगा। अगर ये ऑयल इन वाटर है और ये अगर वाटर इन ऑयल है, आपको ऐसे समझने में अगर समस्या है तो हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऑयल इन वाटर का एक एग्जांपल हो गया जैसे मिल्क, और वाटर इन ऑयल का एग्जांपल हो गया कोल्ड क्रीम। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या करना है, डाइल्यूशन टेस्ट में हमें इसमें वाटर मिलाना है। जिसे भी हम लोग वाटर मिलाकर वाटर मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट अगर कर सकते हैं। डाइल्यूट कर सकते हैं कहने का मतलब है अगर वाटर वहां जाकर घुल रहा है तो फिर आप कहिएगा कि ये आपका ऑयल इन वाटर टाइप है, जबकि अगर वाटर नहीं घुल रहा है तो फिर आप वाटर इन ऑयल टाइप कह सकते हैं। और जनरल आप अपने दिमाग से बता सकते हैं कि मिल्क में अगर पानी मिलाया जाए तो वो तो डाइल्यूट होता है, पानी उस पर घुलता है, कोई समस्या है नहीं, यानी कि ये हो गया कि ये ऑयल इन वाटर है। लेकिन कोल्ड क्रीम में अगर पानी मिलाएंगे तो क्या वो मिक्स होगा, नहीं। कोल्ड क्रीम में आपका क्या है, पानी मिक्स होने वाला नहीं है, तो फिर आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है, ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है। और सेकंड टेस्ट कलर से आप टेस्ट कर सकते हैं, डाई यानी कलर। हम लोग दोनों में ऑयल सोलुबल डाई मिला रहे हैं, खासियत ऑयल सोलुबल है, ये वाटर में घुलता नहीं है। ये किस पे घुलता है, ये ऑयल में घुलता है। ऐसे कलर आते हैं जो केवल ऑयल में घुलेंगे लेकिन वाटर में घुलेंगे नहीं, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे मिला रहे हैं। एक जनरल दिमाग पे आप बता सकते हैं यहाँ वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑयल काफी कम है। मिल्क में ऐसे भी ऑयल काफी कम है, जबकि यहाँ ऑयल की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है। जब आप इसको दोनों में मिलाएंगे, इससे शुरू करते हैं, सिंस यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑयल की है, इसके कारण दिखेगा कि ये पूरा बैकग्राउंड कलर हो गया। अगर हमने लाल रंग का कोई डाई मिलाया है तो फिर दिखेगा कि ये पूरा ही लाल हो गया, लेकिन जबकि इसमें क्या है, इसमें तो मेनली वाटर है, ऑयल तो कहीं कहीं है। तो इस केस में हमें दिखेगा कि कुछ कुछ बूंदे ड्रॉपलेट कलर हो रही है, लेकिन बाद बाकी बैकग्राउंड जैसा पहले था वैसा ही है। तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर पूरा बैकग्राउंड कलर हो रहा है तब फिर कहा जा सकता है कि ये आपका वाटर इन ऑयल टाइप का है, जबकि अगर बैकग्राउंड नहीं केवल ड्रॉपलेट बूंदे कलर हो रही हैं तब आप कह सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है, ये ऑयल इन वाटर टाइप का है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का आपका इमल्सन है। तो आज में हम लोगों ने इमल्सन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया।